सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अभिज्ञान सांकुंतलम में प्रथम अंक में 32वें श्लोक के आगे से अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तद अहम एनाम निर्णाम करोमि इति उंगरियकम ददाति। तो मैं इनको ऋण मुक्त करता हूं, ऐसा कहकर राजा अंगूठी देना चाहते हैं। सक्यो प्रतिगृह्य नामक्षाणि वाचित्वा च प्रश्न अवलोकयत्। दोनों सखियां उसे लेकर और उसमें उटंकित नाम के अक्षर को पढ़कर एक दूसरे को देखती हैं। राजा अलमन्यता संभावनया राज्ञे प्रतिग्रहोऽयम्। हमें कुछ वो न समझे, ये राजा का उपहार है। प्रियंबदा तेन ही नारती इदम अंगुरेकम अंगुली वियोगम आरेश्य वचनादेव अनिना ऐसा भवतु। तो यह अंगूठी आपकी अंगुली से अलग रहने की योग्य नहीं है। आपके वचन से ही यह अब ऋण मुक्त हो गई है। अनुसूय अला शकुंतले मोचतासी अनुकंपिनाम आरेण अथवा राजर्षिणा तत् कस्मिन् इदानीं गमिष्यसि। अनुसूय कहते सके शकुंतले, तुम इन दयालु महान भाव अर्थात राजर्षि के द्वारा मुक्त कर दी गई हो, अतः अब कहां जाओगी। संकुंतला नै एतम जन्म परिह अरिष्यम यद आत्मनम प्र प्रा भविष्यम। संकुंतला मनी मन, यदि मैं स्वतंत्र होती तो इस व्यक्ति को कभी न छोड़ती। प्रेम बदा के मैदानिम न गम्यते, अब जाती क्यों नहीं। इसको इदानीम ही तो आयतास्मि यतो मे रोचते तदो गमिष्यामि। शकुंतला क्या अब मैं तुम्हारे अधीन हूं, जब मेरी इच्छा होगी तब जाऊंगी। राजा शकुंतला विलोक्यन आत्मगतम किम खलु यथा वयम अश्याम एमपि अस्मान प्रति तथा स्यात् अथवा लब्ध अवकाशा में मनवर्ती कुतः। शकुंतला को देखते मन में, क्या जिस प्रकार मैं इस पर अनुरक्त हूँ उसी प्रकार यह भी मुझ पर अनुरक्त है, अथवा मेरी मनोवृत्ति को ही अवसर मिल गया है। क्योंकि वाचम न मिश्रति यद्यपि मद वचो भी करणे ददाति अवितामय भासमाणे कामम न तिष्ठति मद आननम सम्मुखियम भूयिष्ठमन्य विषया न तु दृष्टि अस्या। ये यद्यपि मेरी बातों से अपनी वाणी को नहीं मिलाती है, तो भी मेरे बोलने पर मेरी ओर ही कान देकर सावधान होकर सुनती है। यद्यपि ये मेरे सम्मुख मुख करके नहीं बैठती, फिर भी इसकी निगाह अधिकतर दूसरी ओर नहीं जाती है। नेपत्ये भो भो तपस्विनः तपोवन सन्नितः सत्व रक्षणाय सज्जी भवन्तु भवन्तः प्रत्याशन्न किल मृग्या विहारी राजा दुष्यंत। नेपत्य में हे तपस्वियों, तपोवन के आसपास रहने वाले जीवों की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। शिकार के प्रेमी राजा दुष्यंत पास ही आ पहुंचे हैं। तुरग खुर हत तथाई रेणु विटप विस्तृत जलाद वल कलेशु पतति परिणता अरुण प्रकाश सलभ समूह इवा आश्रम द्रुमेशु। अन्वय यतोहि अश्वखुर यतोहि तुरखुरत है परिणत अरुण प्रकाश रेणु सलभ समूह इव विटप विसक्त जलाद वल कलेशु आसम द्रुमेशु पतति। क्योंकि घोड़ों के खुरों से उड़ाई गई और सायंकाली सूर्य के प्रकाश के समान
कांति वाली धूली पतंगों के समूह के समान गीले वलकलों से युक्त शाखा वाले आसमान वृक्षों पर पड़ रही है। राजा स्वागतम ओ दिक ममाव अन्वेषण है सैनिका तपोवनम अभिरुदंती पुनर्नेपत्य भो भो तपस्विन पर्याकुलियन वृद्ध स्त्री कुमारान ऐसे गज प्राप्त है। राजा मन में ओहो मालूम होता है कि हमको खोजने वाले सैनिक तपोवन को घेर कर पीड़ित कर रहे हैं। पुनर्नेपत्य में ए तपस्वियों वृद्धो स्त्री बच्चों को व्याकुल करता हुआ याती आ गया। राजा तीव्रा घाता अभिमुख तरु स्कंद दंत प्रोडा कृष्ण वृत्त वृतति वलिया संजना जात पाश मूर्त विघन तपस्य नो भिंग सारंग यूतो धर्म मारण विरुद्ध गच शनंदन आलोक भीत। अन्वे शनंद आलोक भीत तीव्रा घाता अभिमुख तरु स्कंद भगने के दंत प्रोडा कृष्ण वृत्त वृतति वलिया संजना जात पाश भिन्न सारंग यूथ गजन तपस्य मूर्त विघ्न इव धर्मारण्यम विरुजति। राजा के रथ को देखने से व्यभीत कठोर प्रार के समान सामने के वृक्ष के फूट पर टूटे हुए एक दांत वाला अत्यंत रूप से खींची गई लताओं के लिपटने से पैर में पड़ी हुई बेड़ी वाला हिरणों के झुंड को तितर बितर करता हुआ तथा हमारे तपस्या के लिए शरीरधारी विघ्न के समान यह जंगली हाथी तपोवन को पीड़ित कर रहा है। सर्वा श्रुत्वा ससंभ्रम उत्तिष्ठन्ति सभी सुनकर घबराहट के साथ उठ खड़ी होती है। राजा स्वागतम ओहो धिक कथम अपराध है तपस्विनाम अस्मि भवतु प्रतिगच्छामि तावत। मन में ओहो धिक्कार है कैसे मैं तपस्वियों के प्रति अपराधी बन गया हूं। अच्छा सैनिकों के पास लौट चलता हूं। सक्यो महाभाग अनेन अस्ति संभ्रमेण प्रियाकुलास्म तद अनु जाय जानी न उठज गमने। महाभाग इस वन्य अस्थि की वजह से हम घबरा गई अतः आप हमें अपने कुटिया पर जाने की आज्ञा दें। अनुसुईया सकुना हला शकुंतले प्रियाकुला आर्य गौतमी भविष्यति तद एहि शीघ्रम एकस्ता भवामे। अनुसुईया शकुंतला प्रति सखी शकुंतले आदरणीय गौतमी घबराती होंगी इसलिए आओ शीघ्र हम लोग इकट्ठे हो जाएं। शकुंतला गति रोधम रूपित हादिक आदिक उरु स्तंभ विहला अस्मि संवृता गति में रुकावट का अभिनय करती है करके हाय धिक्कार है हाय धिक्कार है झुंझुनी चढ़ जाने से मैं विकल हो गई हूं। ताजा स्वयरम स्वयरम गच्छन्तु भवत्य आश्रम बाधा यथा न भवति तथा अहम अपि यतिष्ये। आप लोग धीरे धीरे जाएं आश्रम में कोई बाधा उपस्थित हो मैं भी वैसा ही प्रयत्न करूंगा। सक्यो महाभाग विदित भूयो भूष्टो असि सांप्रतम उपचार मध्य मध्यस्थतया अपराधा स्म तन महर्षे असंभावित सत्कार भूयपि प्रत्यवेक्षण निमित्तम आर्यम विज्ञापयामे। दोनों सखियां महाभाग आप तो सब कुछ जानते ही हैं इस समय हम आपके सत्कार से वंचित होने के कारण अपराधिनी हैं अतः क्षमा करें न किए गए अतिथि सत्कार वाले मान भाव से हम पुनः दर्शन के लिए निवेदन करते हैं। राजा माम एवं दर्शनेन एवं भवतीनां शंभु सत्कारो अस्मि। राजा नहीं ऐसा नहीं कहिए आप सबके दर्शन से मैं पर्याप्त रूप से सत्कृत हो गया हूँ। शकुंतला हला अनुसुये अभिनव उस सूची परिच्छतम में चरणम पूर्वक साका परिलग्नं च वलकलम तावत् प्रतिपालितं माम यावत् एनम मोच्यामि। शकुंतला सकी अनुसुये नए कुश की नोक से मेरा पैर बिंद गया है और वलकल भी कुरुबक के डाल में फंस गया है अतः थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा करो जिससे मैं इसे छुड़ा लूं।
शकुंतला राजा को देखती हुई बहाने से विलंब करके दोनों सखियों के पास चली जाती है। राजा निस्वश्य गता सर्वा भवतु अहमपि गच्छामि शकुंतला दर्शना दर्शना देव मंदोस्मि नगर गमनम प्रति यावद अनुयात्रिकान कान अति दूरे तपोवनस्य निवेशयामि न खलु सक्तो अस्मि शकुंतला दर्शन व्यापारात आत्मना निवर्तितुम ममहि। राजा दीर्घ निश्वास लेकर सब चली गई, चलो हम भी चलें। शकुंतला को देखने से ही अब मेरी नगर की ओर लौटने की इच्छा मंद पड़ गई है, तो अपने अनुगामियों को आश्रम से दूर पर ही ठहरा दें। मैं शकुंतला को देखने के व्यापार से अपने आप को रोकने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरा गच्छति पूरा शरीरम दावती पश्चात संस्थिति चेत चीनान सुखमिव केतो प्रतिवातम नियमानश्य। शरीर आगे की ओर जा रहा है और अपरिचित मन वायु के विरुद्ध ले जाए जाते हुए झंडे के चीनी सूक्ष्म रेशमी वस्त्र की भांति पीछे ही भाग रहा है। इति निष्क्रांता सर्वे, सब चले जाते हैं। अत्र प्रथम अंक समाप्त जाता है, यह पहला अंक समाप्त हो गया है, अतः द्वितीय अंक है, अब दूसरा अंक प्रारंभ होता है। ततः प्रविशति विषण विदूषक, तदनंतर खिन्न विदूषक का प्रवेश। विदूषक निश्चय भो अतो अस्मि एतस्य मृगयाशीलस्य राज्ञो वैश्य भावेन निर्विण अयम मृग अयम वराह अयम साधुल इति मध्यन्दिने अपि ग्रीष्मे विरल पादप छायासु वन राजसु हाइंडे पत्र संकर कषाय वीरसाने उष्ण कटुकाने पीयन्ते गिरिण गिरि नदी सलिलानी। तदा खिन्न विदूषक का प्रवेश। विदूषक लंबी सांस, ओहो ऊब गया हूँ, इस शिकार के विष्णी राजा की मित्रता से मैं तंग आ गया हूँ। गर्मी की दुपहरिया में भी यह हिरण है, यह सुअर है, यह व्याघ्र है। इस प्रकार चिल्लाते हुए पेड़ों की स्वल्प छाया युक्त वन श्रेणियों में मारे मारे फिरते हुए मैं पत्तों के सड़ जाने से कशेले एवं विरस गर्म और कड़वा पर्वतीय नदियों का पानी पीता हूँ। अधिकतर बिना समय के गरम गरम मांस खाना पड़ता है। घोड़ों एवं हाथियों के शोरगुल के कारण रात में भी भरपूर नींद नहीं ले पाता हूँ। तुरग गजान शब्देन रात्रोपि में नास्ति प्रकाशितव्यम् महत् प्रत्युषे दास्य पुत्रे साकुनिक लुब्धे कर्णोपघातिन वन गमन कोलायनेन प्रतिबोधितो अस्मि एतावतो अपि मे पीड़ा न संवृता यत अयम गंडकस्य उपरि विस्फोटक संवृत है तेन हि किलम् अस्मासु अभिनेसु तत्र भवता मृगानुसारिणा आश्रम प्रविष्टेन मम अधन्यतया शकुंतला नाम कापि तपस्वी कन्या दृष्टा ताम प्रेक्ष्य सांप्रतम नगर गमनस्य कथामपि न करोति। उस पर भी बड़े 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 तरके ही इन नीच बहेलियों के कान भाड़ देने वाले वन को घेरने के कोला से जगा दिया गया हूँ। इतना होने पर भी कष्ट की परंपरा अभी पूर्ण नहीं हुई कि यह शकुंतला की आसक्ति रूपी तो फोड़े पर फोड़ा हो गया है, क्योंकि दुख का अंत नहीं हुआ। अतः कल हम लोगों के पीछे छूट जाने पर एक किरण का पीछा करते हुए आदरणीय राजा ने तपोवन में प्रविष्ट होने पर मेरे दुर्भाग्य से शकुंतला नामक तपस्वी कन्या को देख लिया और उसे देखकर अब वे घर चलने का नाम नहीं लेते। एवमेव चिंतियंत में प्रभाता अक्षणो रजनी का गति यावदेनम कृतापचार अपरिग्रम प्रिय वैश्यम प्रेक्षे परिक्रम्य अवलोके एष बाणासन हस्त हृदय निहित प्रिय जन वन पुष्पमाला धारित आगछति प्रिय वैश्य भवतु अंग भंग विकलो भूत्वा स्थास्यामि एवमपि नाम विश्रामम लभेय। इस प्रकार सोचते हुए मेरी आंखों के सामने सवेरा हो गया। क्या चारा है,
तब तक दैनिक कार्यों को कर चुकने वाले प्रियमित राजा को देखें। घूमकर वो देखकर ये राजा ये हाथ में धनुष लिए हुए अपने हृदय में प्रियतमा को बिठाए हुए और वन पुष्पों की माला पहने हुए मेरे प्रियमित राजा इधर ही आ रहे हैं। अच्छा, मैं अंग भंग से विकल सा होकर यहीं रुक जाऊं, कदाचित इसी प्रकार विश्राम मिल जाए, ऐसा सोचकर डंडे के सहारा लेकर खड़ा हो जाता है। तथा परिस्थिति यथा निर्दिष्टो राजा, तदनंतर निर्दिष्ट वेश में राजा का प्रवेश। राजा आत्मन में कामम प्रियान सुलभा मनस्तु तद भाव दर्शना आश्वासी अकृतार्थे मन से जे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। अन्वय कामम प्रिया सुलभा नास्ति तू मन तद भाव दर्शना आश्वासी ही मन से जे अकृतार्थे अपनी उभय प्रार्थना रतिम कुरुते। राजा मन ही मन, यद्यपि प्रियतमा शकुंतला का मिलना आसान नहीं है, फिर भी मेरा मन उसके प्रेमपूर्ण भाव को देखकर आश्वस्त है, क्योंकि कामदेव के असफल होने पर भी दोनों ओर की इच्छा प्रेम को उत्पन्न करती है। स्मितम कृत्वा एव आत्माभिप्राय संभावित इष्ट जन चित्तवृत्ति प्रार्थित्वा विप्लम्बते उतः। मुस्कुराकर किंतु इस प्रकार अपने भावों के अनुसार अपने प्रिय के मनोभावों को संभावना करने वाले प्रेमी धोखा खा जाता है, क्योंकि विक्षितो विक्षितम अन्यतो अपि नयने यत प्रेरयन्त्या यातम यच्चनितम्बो गुरुतया मंदम विलासादिव मागा इति उपरुद्धया यदि तद आसूय मुक्ता सकी सर्वम तत्किल मत प्रायणम अहो कामे सुताम पश्यत। अन्यत अपि नयने प्रेरयन्त्या तया यत् स्निग्धं विक्षितं नितम्बयो गुरुतया विलासादिव यत् यच्च मन्नम यातम मागाम इति प्रुद्या सासकिं यद्यपि सासूय मुक्ता तत्सर्वं मत प्रायणं किल अहो कामि सुताम पश्यति। अपनी आंखों से दूसरी ओर देखती हुई भी शकुंतला के स्निग्ध चितवन से हमी को देखा था, हमें देखने के लिए तो मानो विलास पूर्वक वह अपने तम भार्व से धीरे धीरे चल रही थी, मत जाओ। इस प्रकार रोके जाने पर उसने अपनी सखी प्रेमदा को ईर्ष्या पूर्वक कहा, वह सब कुछ मुझे ही लक्ष्य में रखकर किया गया था, ओहो कामी सर्वत्र अपने को ही देखता है। विदुषक तथा भो महाराज नामे हस्त प्रसृति तथा वाचा मात्र जापे जयतु भगवान। विदो उस पर बैठे रह गए, महाराज मेरा हाथ नहीं चल रहा है, अतः वाणी मां से कह रहा हूँ जय हो आपकी जय हो। राजा विलोक के तो अयम गात्रोप गात है, देख तुम्हारे अंग क्यों जकड़ गए हैं। विदो कथम कुत इति स्वमेव अक्षी भंगत्वा अक्षु काणम पृच्छति। विदुषक कैसे क्या, स्वमेव अक्षी भंग स्वयं आंख फोड़कर आंसू गिरने का कारण पूछते हो। न खलु अवगतामी भिन्नार्थक अभिधीयताम, मैं समझाने साफ साफ कहो। विदुषक यद वेतस कुबजस्य लीला विडम्बयति तथा किम आत्मानं प्रभावेण अथवा नदी वेगस्य। हे मित्र, वेत जो कुबड़े की चेष्टा का अनुकरण करता है वह क्या अपने मन से करता है या नदी के वेग के कारण वैसा करता है। नदी वेग तत्र कारण नहीं, उसमें तो नदी का वेग ही कारण होता है। विदुषक ममापि भवान, मेरे भी अंग वेग कर ले के कारण आप ही हैं। राजा कथम इव कैसे। विदुषक युक्तम नाम एवं यत्त्वया राज कार्याणि उजित्वा तादृशम अस्खलितं पदं प्रदेशं च वनाचर वृत्तिना भवितव्यम् इति किमत्र मंत्रेता अहम पुनः ब्राह्मण प्रत्यं स्व पादानुसारेण संशोभित संधि बंधना नाम अंगानाम निसो अस्मि तथा प्रसिद्ध में एकामपि तावत् विश्रम्यताम। अपने राजकाज को छोड़कर इस उबड़ खाबड़ समता भी निरापद भूभाग को त्याग कर वनोचरों के समान हो जाना क्या उचित है। क्या कहूँ, फिर भी मैं ब्राह्मण होकर प्रतिदिन हिंसक जंतुओं का पीछा करता हूँ, इस कारण ढीले ढाले हुए जोड़ो वाले मेरे अंग अब मेरे बस में नहीं है, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करके प्रसन्न होइए, कम से कम एक दिन तो विश्राम कीजिए। राजा अयम एव आह ममापि कर्णसुता
स्मृत्य मृगय प्रति निरुत्सुकम चेत ताहि। राजा मन ही मन ये ऐसा कह रहे हैं।